नमस्ते बाळ मित्रों, आज आप धोरण पांच विषय हिंदी पाठ चार सोच अपनी अपनी ए आपणे आगळना वीडियो में चित्र विषे समझी गया। हवे एज पाठ में अभ्यासक्रम में पेज नंबर 21 पर प्रश्न नंबर 3 चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज आप ए कहानी समझीशू। जुओ, यहाँ पे एक व्यापारी है जो टोपिया भरेली टोकरी लेकर दूसरे गांव टोपिया बेचने जा रहा है। अब रास्ते पे वो जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे पेड़ है और टोपिया भरेली टोकरी जो अपने सिर पर उठाकर जा रहा है। अब दूसरे पेज चित्र में यह रास्ते में थक जाता है तो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुकता है और वह अपनी टोपिया भरेली टोकरी है जो सिर पे रखी हुई थी वो उसको नीचे उतार कर पेड़ के नीचे रखता है। फिर उसी पेड़ के नीचे वह सो जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए। मगर उसको पता नहीं है कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो उस बंदर को यह टोकरी दिखाई देती है और वह उस टोपिया लेने के लिए बारी बारी से नीचे उतरते हैं। और बंदरों ने क्या किया, टोकरी में से सभी टोपिया एक एक करके ऊपर ले ली और अपने सिर पर पहन ली। जब वह व्यापारी थोड़ी देर आराम करके उठता है तो उन्होंने अपने पास रखी हुई टोकरी देखी तो वह टोकरी खाली थी। तो उसको उन्होंने इधर उधर देखा तो कहीं पे भी अपनी टोपिया दिखाई नहीं दी। फिर थोड़ी देर के बाद उसको टोपिया पेड़ के ऊपर नजर पड़ी तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर टोपिया पहने हुए बैठे थे। तो व्यापारी ने सोचा कि अब इसके पास मैं कैसे लूँ अपनी टोपिया सारी वापस। तो उन्होंने थोड़ी देर उसको समझाया, उसके साथ बातें की, मगर बंदर है तो बंदर थोड़ी ना समझते हैं तो उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मेरे सिर पर भी मैंने एक टोपी पहनी हुई है तो उसको साइड में नीचे फेंक दूँ तो मुझे देखकर वो भी नीचे फेंक दे। तो इसी तरह बंदरों के पास सामने व्यापारी ने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी है वो नीचे फेंक दी और उसको देखकर सारे बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंकी। इस तरह बंदरों ने क्या किया, व्यापारी की नकल की और उन्होंने जैसे ही सारी टोपियाँ नीचे फेंकी तो व्यापारी ने जल्दी से सभी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में भरी और वहाँ से चला गया। तो इस तरह आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस कहानी के पास प्रश्न दिए है सामने, चित्र के सामने प्रश्न दिए तो इसी प्रश्न के उत्तर आपको चित्र को देखकर यहाँ पे लाइन दी गई है तो इसमें लिखने हैं। देखिए व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपिया भरी हुई टोकरी ले जा रहा है। अब इसी का दूसरा चित्र, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के नीचे कौन है, पेड़ के ऊपर कौन है, पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर ने टोपियों का क्या किया, बंदर ने टोपियों को अपने सिर पर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। बंदर ने टोपियां क्यों फेंक दी, बंदर ने टोपियाँ इसलिए फेंकी कि व्यापारी की नकल करते हुए बंदरों ने टोपियाँ नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोकरी में टोपियाँ भर रहा है। तो आज इस कहानी को आपने अच्छे से समझा तो यह प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको समझाए इस चित्र को देखकर। तो इसी तरह इस प्रश्नों के उत्तर आपको इस लाइन में लिखने हैं अच्छे अक्षर करके। अस्तु।